क्या अपना छोटा सा परिचय देंगे तो बताइए सर। सबसे पहले राहुल नाम है सर मेरा, राहुल गुप्ता, और गुप्ता दही बड़े संचालन करते हैं हम। 1907 से स्थापित है दुकान। जब परदादा ने दुकान लगाई थी उसके बाद मेरे दादाजी ने चलाई, फिर मेरे पिताजी ने चलाई, अभी मैं चला रहा हूँ। इसमें दही बड़े फेमस हैं और लोगों राजस्थान में आप भी टेस्ट कीजिए तो आपको पता पड़ेगा कैसा है। तो सर आपको मतलब 1907 में जब अंग्रेज़ों का ज़माना था उस समय कैसे ये आपके दिमाग में आया था कि इस तरह का कारोबार किया जाए? उस समय बहुत छोटे लेवल पर काम था, हमारे परदादा ने चालू किया था। उस समय यहाँ पर रेलवे स्टेशन था, पहले रेलवे स्टेशन पर सप्लाई जाती थी। अच्छा। फिर वहाँ से धीरे धीरे रेलवे स्टेशन से हाईवे पर भी चालू कर दिया। पहले रोडें हुआ नहीं करती थी, गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, पर रेल चलती थी यहाँ पर। सारी ट्रेनें कैनेडा के अंदर रुकती थी, चाहे कितनी भी एक्सप्रेस हो। सब पहले स्टीम इंजन चलता था तो यहाँ से पानी लेने के लिए सारी ट्रेनें यहाँ रुकती थी। अच्छा। और उस समय में रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा आराम से। अब प्रॉब्लम तो हर बिजनेस में आती है पर चलता है वो। उस समय लोगों को यहाँ पर गाड़ी काफ़ी देर खड़ी रहती थी तो खाने के लिए चाहिए होता था, तो हमने दही बड़े चालू किया था तो वो चलते थे। अच्छा। तो सर यहाँ पे मतलब कौन कौन से सेलिब्रिटीज जाके यहाँ से दही बड़े के टेस्ट लेके गए? काफ़ी जने यहाँ पे आए हुए हैं। राजीव श्रीवास्तव है, अशोक अडवाणी है, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं, कृष्णा जी पूनिया हैं। अच्छा। और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े मंत्री और नेता यहाँ पर देख रहे थे। अच्छा। जैसा कि भैया ने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे सेलिब्रिटीज आ चुके हैं और यहाँ के स्वाद लेके जा चुके हैं। और जिस प्रकार से भैया ने बताया कि राजू श्रीवास्तव ये जो प्रसिद्ध कॉमेडियन है हिंदुस्तान के, वो भी यहाँ के दही भले खा के गए हैं। इस प्रकार से यहाँ की प्रसिद्धि बहुत ही ज़्यादा है। और आप भी अगर इस तरह से दही भले खाना चाहते हैं यहाँ पे, तो भैया यहाँ का एड्रेस पूरा आपको बताएंगे। मेन मार्केट सैनडा जिसका दही बड़े के नाम से है, और अभी ये हाईवे पे भी शिफ्ट कर दी गई है ये दुकान। मेन हाईवे पे भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, चलो तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी जानकारी भैया ने दी है। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। और YouTube चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन घंटा दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो धन्यवाद। सबसे पहले दही बड़े लेते हैं, ये मिट्टी के कुल्हड़ में हम देते हैं, ये हमारी खासियत है। कुल्हड़ में देते हैं, इसके अंदर जाता है, 24 घंटे तक खराब नहीं होता है, दही का टेस्ट बना रहता है, खट्टा। अब भैया तैयार कर रहे हैं दही बड़े, इन्होंने डाल दिए कुल्हड़ के अंदर दही बड़े। अब डालेंगे इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में, बहुत क्वांटिटी में दही, और डाल दी इन्होंने। देखो कि कितना भर के दही डाला इन्होंने। अब कुछ मसाले हैं जो सीक्रेट है, इनके अंदर डाल देंगे मिर्ची वगैरह, आप मीठी चटनी डालेंगे इसके अंदर और ये एकदम बन के तैयार हो जाएगा। वैसा हमारा काम तो है फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाना, लेकिन आज घूमने के लिए आए तो ऐसा वीडियो बना दी। देखा कि भैया ने बताया इस दुकान की स्थापना 1907 में हुई थी, लगभग 115 साल पुरानी दुकान है और इसके दही बड़े का टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। तो अभी हम आपको इसका टेस्ट करके बताएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट, यानी 115 साल पुराना स्वाद है इसके अंदर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ बताते हैं। बहुत ही लाजवाब स्वाद है इसका। मैंने बहुत दही बड़े खाए, लेकिन इस दुकान का जो दही बड़ा मैंने आज खाया है, ऐसा जिंदगी में मैंने पहली बार खाया है दोस्तों। तो आप अगर इस लाजवाब टेस्ट का स्वाद लेना चाहते हैं तो आपको इसका एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से ले सकते हैं दोस्तों, और यहाँ आके आप इसका आनंद ले सकते हैं।